हेलो एवरीवन, बायोलॉजी पार्ट की इस सीरीज में हम डिसीज के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि डिसीज कैसे होती है और उनको कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया कौन कौन से डिसीज कॉज करते हैं और वो डिसीज क्या क्या सिम्टम्स देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डिसीज क्या होती है। तो डिसीज एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड विच अलाउज अ पर्सन टू फंक्शन वेल फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। यानी हेल्थ एक ऑर्गेनिज्म की एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वो फंक्शन वेल करना चाहिए, फिजिकली भी, मेंटली भी, सोशली भी। यानी अगर कोई कोई पर्सन जो है फिजिकली वेल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वेल्थी है, उसको फिजिकली भी, मेंटली भी और सोशली भी वेल होना चाहिए। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग अवर हेल्थ, हमारे फैक्टर कौन कौन से हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारी अवर डाइटरी हैबिट्स, हमारी डाइट की हैबिट क्या है, हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। सेकंड है लाइफस्टाइल, हमारी लाइफस्टाइल क्या है। थर्ड वन अवर सोशल एनवायरनमेंट, हमारा सोशल एनवायरनमेंट कैसा है, हमारा आसपास का एटमॉस्फेयर कैसा है। फोर्थ इज स्टेट ऑफ माइंड। फिफ्थ इज द काइंड ऑफ द वर्क दैट वी डू टू अर्न द मनी, हम क्या काम कर रहे हैं मनी को अर्न करने के लिए। उससे ये पता चलता है कि पर्सन किस लोकेशन में काम कर रहा है, कैसी उसकी सराउंडिंग है, उसका एटमॉस्फेयर पॉल्यूटेड है कि नॉन पॉल्यूटेड है। सिक्स वन इज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यानी उसकी जीन्स की इन्फॉर्मेशन कैसी है, उसकी जीन्स उसके जो पेरेंट्स से इनहेरिटेड हुए हैं वो कैसे हैं, उसकी इम्यून सिस्टम कैसा है। सेवन्थ वन इज अवर फिजिकल इन्वायरमेंट, हमारा फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। एट्थ वन इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिविजुअल, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है इंडिविजुअल की, कि वो रिच है, पुअर है। क्योंकि ये देखा गया है कि जो पुअर पर्सन होते हैं अगर उनको डिसीज हो जाती है तो वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं कि घर के ही कुछ उपचारों से उनका इलाज कर लिया जाएगा, और हेल्थ के लिए भी उतने ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं। तो ये कंडीशन हो गई, फैक्टर्स हो गए इसको। नेक्स्ट वन है डिसीज। डिसीज की डेफिनेशन दे रखी है, अ स्टेट वेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड रिजल्टिंग इन ऑल्टर्ड फिजियोलॉजिकल स्टेट विथ साइंस एंड सिम्टम्स टेलिंग अस दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ अवर हेल्थ, इट इज कॉल्ड डिसीज। यानी एक ऐसी स्टेट जिसमें हमारी बॉडी जो है कुछ साइन और कुछ सिम्टम्स दे रही हो कि हाँ कुछ तो गलत हो रहा है। डिसीज कैन बी क्लासिफाइड एज इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। अब डिसीज को दो कैटेगरी में डाला गया है, एक होती है इन्फेक्शियस डिसीज और एक होती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। इन्फेक्शियस डिसीज वो डिसीज होती है जो इजिली ट्रांसमिटेड हो जाती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से ट्रांसमिटेड हो जाती है। कैसे हो सकती है, उनके शेयर ऑफ क्लोथ से, शेयर ऑफ कॉम से, शेयर ऑफ यूटेंसिल से, ड्रॉपलेट से, काफी तरीकों से जो है एक एक पर्सन से दूसरे पर्सन से मैं ट्रांसमिट हो सकती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे कि कॉमन कोल्ड हो गया, मलेरिया, एड्स, और आजकल क्या चल रहा है आपका, कोरोना वायरस। अच्छा, ये पैथोजेंस क्या होते हैं, पैथोजेंस की यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है। पैथोजेंस आर ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज इन होस्ट आर कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी होस्ट में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में डिसीज कॉज करते हैं, यानी कि दे आर यूजली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं, सामान्यतः माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, दैट कॉज डिसीज इन होस्ट। सो हम कह सकते हैं कि ऑल पैरासाइट्स आर देयर फॉर पैथोजन्स एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट होस्ट बाई लिविंग इन और ऑन देम। तो हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादातर सभी मतलब पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी होस्ट के ऊपर रहते हैं, उनके अंदर या उनके ऊपर रहते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिएंट जो है इनहेल कर, मतलब न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो उसी से अपना लेते हैं। तो जो भी सारे भी आपके पैरासाइट्स क्या हो जाएंगे, ये भी हमारे पैथोजेंस हो जाएंगे। अब एक हमने पढ़ लिया इन्फेक्शियस डिसीज, सेकेंड होता है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज यानी एक ऐसी डिसीज जो ट्रांसमिटेड नहीं हो सकती एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, यानी कि शेयरिंग से जो है ये ट्रांसफर नहीं होगी, तो ये हो जाएगी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। एग्जाम्पल वन इज एग्जाम्पल है इसका कैंसर और डायबिटीज। यानी जो कैंसर होता है, कैंसर क्या होता है, ये होता है कि एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है, जो अगर किसी भी एक टिश्यू में हो रहा है फिर वहां से क्या होगा और ऑर्गन में भी डिस्ट्रीब्यूट होने लगेगा, ठीक है, तो वो होती है हमारी कैंसर कंडीशन। तो ये हमारी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। सेकेंड वन इज डायबिटीज,
और भी हो सकती है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। ओके, अब नेक्स्ट कैटेगरी है आपकी कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमंस। अभी हमने पढ़ लिया कि डिसीज क्या होती है, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, पैथोजेंस क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो पैथोजेंस है यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन कौन सी डिसीज कॉज करते हैं। इनमें से सभी पेपर में एक ना क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि फाइंड आउट कीजिए ये जो डिसीज है ये बैक्टीरिया द्वारा कॉज होती है या वायरस द्वारा कॉज होती है। तो इनको ढंग से देख लेंगे। फर्स्ट है डिसीज कॉज बाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के द्वारा जो डिसीज कॉज होते हैं। तो फर्स्ट वन है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर हमारा जो है बैक्टीरिया से कॉज होता है। नेम ऑफ बैक्टीरिया इसमें होता है साल्मोनेला टाइफी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ओके, और ये ट्रांसमिशन के बाद किसे इन्फेक्ट करता है, टाइफाइड फीवर जो होता है ये जो है इन्फेक्ट करता है इंटेस्टाइन को, और इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करने के बाद ये माइग्रेट हो जाता है अदर ऑर्गन में थ्रू फ्लूड, सॉरी ब्लड के थ्रू जो है ये अदर ऑर्गन में ट्रांसमिटेड हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स है सस्टेन्ड हाई फीवर, स्टमक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या क्या है कि बहुत ज्यादा हाई फीवर हो जाता है, लगभग 30 to 40 degrees Celsius तक हो जाता है, और स्टमक में पेन होता है, वीकनेस होती है, कब्ज हो जाती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, भूख मर जाती है, और अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो क्या हो जाता है, डेथ भी हो जाती है। तो फर्स्ट वन हमारा था टाइफाइड फीवर, ये हमारे बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सेकेंड है फिर हमारा निमोनिया, निमोनिया भी हमारा बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और इसको कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई, ओके, या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ओके, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और सेकेंड वन है या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ये कैसे शेयर होता है, ये भी हमारा किससे होता है, ये हमारा इन्फेक्शियस डिसीज है। क्यों, ये शेयरिंग ऑफ ग्लासेस यूटेंसिल से होता है, और या फिर इनहेलिंग ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा भी हो सकता है। यानी कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन है वो उसके बगल में कोई पर्सन बैठा है तो उसके भी इन ड्रॉपलेट्स होंगे, वो दूसरे पर्सन में जाएंगे तो उसके भी चांसेस हैं इन्फेक्शन के होने के। अब ये किसे इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है एल्विलाई को। एल्विलाई क्या है, ये एयर सैक्स हैं लंग्स के। ओके, अब ये इसके सिम्टम्स हैं एल्विलाई ऑफ लंग्स गेट इन्फेक्टेड लीडिंग टू रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। जो लंग्स होता है उसके जो एल्विलाई होते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे जो है उसमें पानी भर जाता है और रेस्पिरेशन में जो है प्रॉब्लम होने लगती है। फिर धीरे धीरे फीवर आता है, चिल्स, कफ और हेडेक होता है, और क्या होता है जब सीवियर कंडीशन हो जाती है तो लिप्स और नेल्स जो होते हैं वो ग्रे और ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो ये थे इसके सिम्टम न्यूमोनिया के। तो बैक्टीरिया के द्वारा जो हमने पढ़ा कि टाइफाइड फीवर होता है, न्यूमोनिया होता है, उसके अलावा डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, ये भी हमारे बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले कुछ डिसीज हैं। नेक्स्ट वन है डिसीज कॉज्ड बाय वॉर्म, वॉर्म के द्वारा होने वाली डिसीज। फर्स्ट डिसीज है एस्केरियासिस। एस्केरियासिस को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म। इसके द्वारा जो पैथोजन होता है उसका नाम है एस्केरिस, और ये किस को इन्फेक्ट करता है, ये जो है ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। तो हमको बोल सकते हैं कि जो एस्केरिस है वो क्या है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है फीको ओरल ट्रांसमिशन। यानी कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जब वो फीसेस जो है एक्सक्रीट करेगा तो उसके जो अंडे होते हैं वो जो है सॉइल में वाटर में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। फिर उनको कोई पर्सन अगर लेगा बाई फूड बाई वाटर तो क्या होगा, उस पर्सन में भी उसकी जो है इन्फेक्शन हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है, इनके सिम्टम्स है फीवर, एनीमिया, मस्कुलर पेन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। देखिए ज्यादातर इसमें जो भी है सिम्टम्स कहाँ पे दिखाएंगे, इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन को ही इन्फेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट वन है एलिफेंटियसिस, और इसको बोलते हैं फाइलेरियासिस। ये भी हमारा वॉर्म्स के द्वारा होता है। इसको कॉज करने वाले वॉर्म पैथोजन का नाम है वुचेरिया ब्रैंकॉप्टी और या वुचेरिया मलाई। ये दो स्पीसीज दे रखी हैं। ये आपको पता होगा कि जो इसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो ये फर्स्ट क्या होता है हमारा जीनस होता है, और सेकंड क्या होता है हमारा स्पीसीज होता है। तो इसमें दो स्पीसीज दे रखी हैं, वुचेरिया ब्रैंकॉप्टी और वुचेरिया मलाई। अब इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इसको ट्रांसमिशन होता है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर्स के थ्रू। ओके, जो फीमेल मॉस्किटो होती है वही हमारे क्या कराती है, ट्रांसमिशन कराती है।
इसका सिम्टम्स क्या है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स, ओके, जो क्या नाम है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं लोअर लिम्स की, उनमें क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा फूल जाती है। इसकी वजह से जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उनमें भी इफेक्ट पड़ता है, वो भी क्या हो जाते हैं, डिफॉर्मिटीज हो जाते हैं। इसका डायग्राम यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे जो लोअर लिम्ब है वो कितना ज़्यादा फूल गया है। फाइलेरियसिस का एग्जाम्पल है, जो हमारा वर्म्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट डिसीज है हमारी डिसीज कॉज्ड बाय फंजाई, फंजाई के द्वारा होने वाली डिसीजेस। फर्स्ट है रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म इसके जो पैथोजेंस हैं वो इसके तीन जनरा दे रखे हैं जो रिंग वॉर्म को कॉज करते हैं। फर्स्ट वन है माइक्रोस्पोरम, सेकेंड वन है ट्राइकोफाइटॉन और थर्ड वन है इपिडर्मोफाइटॉन। ओके, तीन है इसके जनरा रिंग वॉर्म को कॉज करने वाले पैथोजन के। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है, ये भी हमारी इन्फेक्शियस डिसीज है। हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए डायरेक्ट कॉन्टेक्ट थ्रू सॉइल, कंटेमिनेटेड क्लोथ्स और कॉम्स, इसकी वजह से क्या हो जाता है, रिंग वॉर्म हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या है, जनरली आपने देखा होगा कि बारिश के टाइम पे जब मॉइस्चर कंटेंट हो जाता है तो क्या होता है, उंगलियों के बीच में, यहाँ पे बीच में और पाओं की उंगलियों के बीच में क्या हो जाता है, ड्राई स्केल्स हो जाती है, तो वो क्या होता है, वो रिंग वॉर्म की वजह से ही होता है। ये इसके सिम्टम्स दे रखे हैं, ड्राई स्केली लेशन ऑन स्किन, नेल्स एंड स्केल्स, स्केल्प अकॉम्पेंड बाई इंटेंस इचिंग। ओके, और इसके सिम्टम्स में ये भी दे रखा है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दिस फंजाई टू ग्रो, इस फंजाई को ग्रो करने के लिए क्या जरूरी होता है, हीट और मॉइस्चर। नेक्स्ट वन है हमारा डिसीज कॉज्ड बाय वायरसेस, वायरसेस के द्वारा होने वाली डिसीज। एक होती है हमारी, फर्स्ट वन है कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड भी हमारा वायरस के द्वारा होता है। इसमें जो वायरस का नाम है वो क्या है, राइनो वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर थ्रू ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एंड थ्रू कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये यूजली लास्ट होता है फॉर 3 to 7 days, यानी जो नॉर्मल फ्लू होता है वो 3 to 7 days के लिए ही लास्ट करता है। और इसके सिम्टम्स क्या है, इसके इन्फेक्शन ऑफ नोज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज, हॉर्नेस, कफ, हेडेक और टायर्डनेस। नेक्स्ट वन है डिसीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स के द्वारा होने वाली डिसीज। फर्स्ट वन है मलेरिया, मलेरिया किस प्रोटोजोवा के द्वारा होता है, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोवा के द्वारा होता है। इसके तीन जनना दे रखे, तीन स्पीसीज दे रखी हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये तीनों ही मलेरिया कॉज करने के लिए उत्तरदायी हैं, बट इसमें जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका ट्रांसमिशन का मोड क्या है, इसको जो कॉज करने वाली वेक्टर है वो क्या है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ओके, ये आता है एग्जाम में बहुत बार कि मलेरिया किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और इसका इन्फेक्शियस फॉर्म क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इन्फेक्शियस फॉर्म होता है स्पोरोजॉइट्स। अब स्पोरोजॉइट्स क्या होता है वो अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या होता है, हाई फीवर आता है, थोड़े थोड़े समय में क्या होता है, फीवर आते रहता है, हर 3-4 घंटे में फीवर आते रहता है। वो क्यों होता है, वो क्या होता है कि आपका जो एक इन्फेक्टेड जो आरबीसी होती है वो रैप्चर हो जाती है, और इससे एक आपका जो है टॉक्सिक सब्सटेंस निकलता है जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। वो ही क्या करता है, वो ही हमें जो है हर 3-4 डेज में, मैंने घंटे बोल दिया, हर 3-4 डेज में क्या करता है, चिल्स और हाई फीवर को कॉज करता है। तो यही लिख रखा है, हाई फीवर एंड चिल्स एट फिक्स टाइम इंटरवल ड्यू टू रिलीज ऑफ हीमोजोइन। हीमोजोइन ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्या रिलीज करता है, जिसकी वजह से चिल्स और हाई फीवर कॉज होता है। तो हीमोजोइन टॉक्सिक सब्सटेंस है, कॉजिंग चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days आफ्टर रप्चर ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड आरबीसीज। ओके, नेक्स्ट वन है अमेबियासिस, इसको हम बोलते हैं अमेबिक डिसेंट्री। ये किसकी वजह से होता है, इसको कॉज करने वाले पैथोजन का नाम है, जो प्रोटोजोआ है उसका नाम है एंट अमेबिवा हिस्टोलेटिका। ओके, और इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसको कॉज कौन करता है, इसको कॉज करता है हाउस फ्लाइज, इसको कॉज करने वाली है हाउस फ्लाइज। हाउस फ्लाइज एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर, सर्व टू ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू ब्लड, टू फूड,
फीको ओरल ट्रांसमिशन, यानी जो हाउस फ्लाइज होती है वो क्या करती है, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसके जो फीसेज होंगी, उसमें जो उसके अंडे होंगे उसको उस पर क्या करेगी, उस पर वो बैठेगी, फिर वहां से वो फूड पे जाएगी और फिर फूड को जो नॉर्मल पर्सन होगा, हेल्दी पर्सन होगा, वो इनटेक करेगा और उससे भी क्या होगी, डिसीज हो जाएगी। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, एबडोमिनल पेन, क्रैम्प्स, ऐंठन हो जाती है, और स्टूल्स विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। और क्या होता है, जो फीसेस आती हैं उसमें भी क्या होते हैं, उसमें ब्लड के थक्के आते हैं। ओके, तो ये हमारी सारी हमारी डिसीज हो गई। हमने देखी कि कौन कौन सी डिसीज हमारी कॉज होती हैं। सबसे पहले हमने आपका पढ़ा था कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी डिसीज होती हैं, जिसमें हमने पढ़ा टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर हमारा होता है साल्मोनेला टाइफी की वजह से, और ये किसे इन्फेक्ट करता है, इंटेस्टाइन को इन्फेक्टेड करता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है हमारा फूड और कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। उसके बाद हमने बैक्टीरिया में पढ़ा था निमोनिया के बारे में, निमोनिया डिसीज के बारे में पढ़ा था। जो निमोनिया डिसीज होती है उसको नेम ऑफ बैक्टीरिया कौन से कॉज करते हैं, वो करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और उसके बाद हमने इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा था कि ये शेयरिंग से होता है, शेयरिंग ऑफ ग्लासेस यूटेंसिल से होता है, और ये इन्फेक्ट किससे करता है, ये इन्फेक्ट करता है एल्विलाई को। उसके बाद हमने डिसीज कॉज बाई वॉर्म्स के बारे में देखा, जो वॉर्म्स होते हैं वो किसे, वॉर्म्स के द्वारा कौन कौन सी डिसीज होती है। फर्स्ट वन हमने एस्केरिस पढ़ा था, और सेकेंड क्या पढ़ा था, एलिफेंटियासिस। जो एस्केरिस होता है उसको राउंड वॉर्म कहते हैं, और ये इसकी जो पैथोजन होता है जो उसको कॉज करता है वो क्या होता है, एस्केरिस होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है, फीको ओरल ट्रांसमिशन होता है। और जो एलिफेंटिस होता है मैंने डायग्राम में दिखाया था कि पाँव जो होता है क्या होता है, लोअर लिम्स जो होता है फैल जाता है, फूल जाता है काफी ज्यादा, और ये किसकी पैथोजन की वजह से होता है, पैथोजन जो इसको कॉज करता है वो होता है वुकेरिया ब्रैंकॉफ्टी और वुकेरिया मलाई। और ये किसकी वजह से होता है, ये होता है बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर की वजह से। ओके, उसके बाद हमने फंजाई डिसीज के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने रिंग वॉर्म के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे तीन जन्ना थे जो पैथोजन कॉज कर रहे थे। फर्स्ट वन था माइक्रोस्पोरम, फिर था ट्राइकोफाइटॉन, फिर था हमारा एपिडर्मोफाइटॉन। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या था, हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू था। फिर उसके बाद हमने अभी ये वायरस के बारे में देखा है, हमने देखा कॉमन कोल्ड जो हमारा राइनो वायरस की वजह से होता है, और इसका ट्रांसमिशन आपको पता है। उसके बाद हमने प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा मलेरिया इंपॉर्टेंट है। मलेरिया किस प्रोटोजोवा की वजह से होता है, तो तीन प्रोटोजोवा की वजह से होता है, जो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरिया, जिसमें हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम है वो ज़्यादा डेंजरस है, और ये इन्फेक्शियस इसका फॉर्म हमने पढ़ा था स्पोरोजोइट्स। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने इसमें पढ़ी थी, वो पढ़ी थी हमने हीमोजोइन के बारे में। हीमोजोइन क्या होता है वो अभी देखते हैं, ये हमारा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। उसके बाद हमने लास्ट इसका पढ़ा है डिसीज कॉज बाई प्रोटोजोन्स का एमीबीएसिस, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है हमारा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, आपको पता होगा कोई बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं या फिर लैटिन लेटर में लिखते हैं। और फिर इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हाउस फ्लाइज की वजह से। तो अब इसकी लाइफ साइकिल हम लोग देख लेते हैं, यह है इसकी लाइफ साइकिल। पहले हम डायग्राम की वजह से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमने पढ़ा था कि कोई मॉस्किटो होगी वो क्या करेगी, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज होगी वो क्या करेगी, वो किसी हेल्दी पर्सन के उसमें उसको बाइट करेगी। तो फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, व्हेन द मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन। ओके, व्हेन इन्फेक्टेड मॉस्किटो, ठीक है, नॉर्मल मॉस्किटो नहीं, जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज होगी वो किसी नॉर्मल पर्सन को बाइट करेगी, तो क्या करेगा, जिसको स्पोरोजॉइट्स होगा, स्पोरोजॉइट ही इसका इन्फेक्शियस फॉर्म है ना, वो आर इंजेक्टेड विद बाइट, वो इंजेक्टेड हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये यहाँ से आएगा, फिर क्या होगा, जो पैरासाइट होगा, जो स्पोरोजॉइट्स होगा, वो लीवर में पहुंच जाएगा थ्रू ब्लड, ठीक है, ब्लड के थ्रू क्या होगा, जो नॉर्मल पर्सन होगा, हेल्दी पर्सन होगा, उसके लीवर में पहुंच जाएगा। अब लीवर में पहुंचने के बाद क्या करेगा, जो लीवर में पहुंचने के बाद ये पैरासाइट क्या करेगा, ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और ज्यादा मल्टीप्लीकेशन करेगा, और फिर क्या करेगा, जो सेल होगी वहां की उसको भ्रष्ट कर देगा। ये देखिए, ये सेल में मल्टीप्लीकेशन कर रहा है और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, भ्रष्ट कर दे रहा है, और जो भी इसके जो स्पोरोजॉइट्स थे वो क्या कर, उनको क्या कर रहा है, उनको भ्रष्ट करके उनको सेल से बाहर ले आ रहा है। अब जब ये सेल से बाहर आ जाएंगे,
तो पैरासाइट रिप्रोड्यूस ए सेक्शुअली इन रेड ब्लड सेल्स, अब ये रेड ब्लड सेल्स में भी ए सेक्शुअली रिप्रोड्यूस करते रहेंगे और ब्रस्टिंग द रेड ब्लड सेल। अब रेड ब्लड सेल्स को भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए ब्रस्ट कर रहे हैं एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्शियस न्यू रेड ब्लड सेल्स। अब क्या होगा जब ये रेड ब्लड सेल्स में भी एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस कर रहे थे, फिर ये रेड ब्लड सेल्स को भी ब्रस्ट कर देंगे, फिर इससे क्या होगा, जो एक मैंने बताया था आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट हीमोजॉइन, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ हीमोजॉइन, ये टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज कर देंगे और फिर इसी की वजह से क्या होगा कॉजिंग साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स आफ्टर 3 to 4 days। ओके अब फिर जब यहां से कर लिया उसके बाद इसकी अभी तक आपकी एसेक्सुअल लाइफ साइकिल चल रही थी इसकी, अब जब यहां से भी आफ्टर हीमोजॉइन कंडीशन ये क्या करेगा सेक्सुअल स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोसाइट्स। ये पता होना चाहिए कि हीमोजॉइन के बाद ही ये क्या होगा सेक्सुअल स्टेज में पहुंच जाएगा, जिसको बोलेंगे गैमेटोसाइट्स और डेवलप इन रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल्स में होगा। यहाँ पे दिखा रहा है गैमेट, फिर ये गैमेटोसाइट्स क्या होगा, जो फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल मॉस्किटो टेक अप गैमेटोसाइट विथ ब्लड मील। अब क्या होगा ये नॉर्मल पर्सन के अंदर ये गैमेटोसाइट्स बन गया है, अब कोई अगर हेल्थ नॉर्मल मॉस्किटो होगी फीमेल एनाफिलीज होगी तो वो अगर किसी अनहेल्दी पर्सन को इन्फेक्शियस पर्सन को बाइट करेगी तो क्या होगा ये जो गैमेटोसाइट्स होंगे वो क्या होंगे उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है तो अभी तक ये पूरी लाइफ साइकिल आपकी चल रही थी हेल्दी पर्सन के अंदर, जो अब अनहेल्दी हो गया है, अब क्या हो रहा है अब ये मॉस्किटो के अंदर चल रही है। ठीक है मॉस्किटो हमारी होस्ट बन गई है, जो नॉर्मल मॉस्किटो थी वो होस्ट बन गई है, अब ये इसके अंदर आ गया है। ठीक है फिर क्या होगा फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द मॉस्किटो इंटेस्टाइन। अब जो मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में जाके ये भी हमारा क्या करेगा डेवलपमेंट अपना स्टार्ट कर देगा, और फिर जब वहां पे जाएगा वहां पे जाने के बाद क्या करेगा, वहां पे जाने के बाद ये भी अब स्पोरोजॉइट्स फॉर्म बना लेगा, जो हमारी क्या है इन्फेक्शियस स्टेज है। तो लिख रखा है मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेज स्पोरोजॉइट्स एस्केप फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। अब क्या होगा ये कि जो मैच्योर इन्फेक्शियस स्टेज होगी स्पोरोजॉइट्स वो क्या होगी वो इंटेस्टाइन से निकल के बाहर जो है मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगी। ये देखिए सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें इतने सारे हमारे स्पोरोजॉइट्स हैं। ठीक है अब फिर दोबारा से इसके अंदर आ गई है, अब ये भी हमारी इन्फेक्टेड हो गई है फीमेल एनाफिलीज, फिर से ये हमारे किसी हेल्दी पर्सन को अगर बाइट करेगी तो उसके अंदर ये पूरी प्रोसेस चलेगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसके क्या है इसके हमारे दो होस्ट हैं, एक फर्स्ट होस्ट है हमारा ह्यूमन होस्ट और सेकेंड है मॉस्किटो होस्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो फीमेल सॉरी जो हमारा मलेरिया होता है वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में टू स्टेज लेता है, टू होस्ट लेता है, फर्स्ट वन होता है ह्यूमन होस्ट और सेकंड होता है मॉस्किटो होस्ट। अच्छा होस्ट क्या होता है, होस्ट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके अंदर कोई भी डिसीज जो होती है वो क्या करती है कोई भी डिसीज या कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सर्वाइव करता है। ओके तो अभी इसमें मैंने यहाँ पे इसके पॉइंट लिख रखे हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। फर्स्ट है हमारा स्पोरोजॉइट जो हमारा क्या है इन्फेक्शियस फॉर्म है ऑफ प्लाज्मोडियम विच एंटर्स द ह्यूमन बॉडी थ्रू द बाइट ऑफ अ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। सेकेंड वन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरासाइट इन साइड द लीवर सेल। फिर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन होगा पैरासाइट का लीवर सेल के अंदर। फिर जब लीवर सेल से पे क्या होगा देन अटैक द आरबीसी बाय द पैरासाइट कॉजिंग द रप्चर ऑफ द सेल। फिर क्या होगा आरबीसी लीवर से क्या होगा आरबीसी में जाएगा और आरबीसी में जाके क्या करेगा वो अपना मल्टीप्लीकेशन करेगा और फिर जो आरबीसी की सेल्स होंगी उनको रप्चर कर देगा। देन फोर्थ पॉइंट इज द रप्चर ऑफ आरबीसी इज एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ ए टॉक्सिक सब्सटेंस हीमोजाइन रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। फिर जब ये आरबीसी को रप्चर करेगा फिर इसकी इससे क्या निकलेगा एक टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा जिसको हीमोजोइन बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होगा चिल्स के लिए और हाई फीवर के लिए, जो एवरी 3 to 4 days में कॉज होगा। फिफ्थ पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ द पैरासाइट इनटू द बॉडी ऑफ द फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो व्हेन द इन्फेक्टेड पर्सन इज बिटन बाय द मॉस्किटो। फिर क्या होगा जो ये ट्रांसफर होगा पैरासाइट का फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन को कोई मॉस्किटो जो है नॉर्मल मॉस्किटो जो है वो बाइट करेगी। और फिर क्या होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पैरासाइट विद इन द मॉस्किटो। अब हमारा जो है मॉस्किटो के अंदर इसका मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा टू फॉर्म द स्पोरोजॉइड। स्पोरोजॉइड्स को फॉर्म करने के लिए दीज स्पोरोजॉइड्स आर स्टोर्ड इन द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो। फिर क्या होगा मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जो है ये स्पोरोजॉइड जो है स्टोर हो जाएंगे। और लास्ट होगा फिर द इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट्स एन अन इन्फेक्टेड पर्सन एंड द साइकिल रिपीट्स। एंड लास्ट में क्या होगा जो
इन्फेक्टेड मॉस्किटो होगी वो फिर से किसी अन इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी और साइकिल जो है रिपीट होगी। तो यहाँ पे लिख रखा है मलेरिया रिक्वायर टू होस्ट टू कंप्लीट थ्री फोर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल ह्यूमन एंड मॉस्किटो फीमेल एनाफिलीज। ओके, ह्यूमन में जाने के बाद लीवर में करेगा, लीवर से फिर ब्लड में, ब्लड से फिर वो इन्फेक्शियस फॉर्म बना देगा स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट जब बना देगा फिर उसके बाद मॉस्किटो में जाएगा सेकेंड होस्ट में, मॉस्किटो में जाने के बाद वो उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो स्पोरोजॉइट्स बनाएगा एंड फिर वहां से क्या होगा वो उसके सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा। लास्ट अब इसकी हम देख लेते हैं इसकी प्रिकॉशन क्या होते हैं जो हम लोग अपना सकते हैं कंट्रोल करने के लिए डिसीज को। तो क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? ओके, तो क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? एक होती है गेम्बुशिया फिश। गेम्बुशिया फिश क्या होती है? ये फीड करती है मॉस्किटो लार्वी में, यानी अगर कोई इन्फेक्टेड पॉन्ड है, कोई रिवर है, तो हमें क्या करना चाहिए? वहां पे गेम्बुशिया फिश को इंसर्ट करना चाहिए। ये गेम्बुशिया फिश क्या करती है? एक प्रिकॉशन के जैसे यूज होती है उसको रोकने के लिए, मलेरिया को रोकने के लिए, क्योंकि ये क्या करती है? मॉस्किटो लार्वा पे फीड करती है, तो ये प्रिवेंशन ले सकते हैं। सेकेंड है मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल पब्लिक हाइजीन। पर्सनल और पब्लिक हाइजीन को मेंटेनेंस करना चाहिए, जिसकी वजह से ही ज्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रो नहीं कर पाते हैं। थर्ड वन इज एलिमिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। वेक्टर्स का जो है एलिमिनेशन कर देना चाहिए। वेक्टर्स क्या होते हैं? वेक्टर्स वही जो हमारे जो डिसीज कॉजिंग थे, जो डिसीज कॉज कर रहे थे, जैसे कि फीमेल एनाफिलीज, हाउस फ्लाई, तो उनका ही एलिमिनेशन कर देना चाहिए इंसेक्टिसाइड का यूज करके, या ये हमने अभी पढ़ा है गेम्बुशिया फिश के बारे में, और देयर ब्रीडिंग प्लेस, और उनके ब्रीडिंग प्लेस को भी एलिमिनेशन करके, यानी जैसे किसी एरिया में अगर वेक्टर जो है स्टोर हो रहे हैं तो उनकी क्या करनी चाहिए? साफ सफाई करनी चाहिए। उनको ब्रीडिंग ही नहीं करनी चाहिए, यानी ब्रीडिंग मतलब उनका मल्टीप्लीकेशन, जिससे वो संख्या में और बढ़ सकते हैं, उसी को हमें क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए। फोर्थ वन इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेक्टर। वेक्टर के अगेंस्ट क्या करना चाहिए? प्रोटेक्शन करना चाहिए। वेक्टर्स यानी जो डिसीज को कॉज कर रहे हैं उनसे, उनके अगेंस्ट क्या करना चाहिए? पहले से प्रोटेक्शन कर देना चाहिए। फिफ्थ वन इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या होता है? इनसे बचने के लिए कुछ दवाइयां बनाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, उसको यूज करना चाहिए। सिक्स वन इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का यूज करना चाहिए, कुछ दवाइयों का यूज करना चाहिए इनसे प्रिवेंट होने के लिए।